एक दिन सुबह में मैं अर्ली मॉर्निंग में अपना योगाभ्यास कर रही थी और अचानक बिजली चली गई. लेकिन अचानक बिजली जाने के बाद भी अंधेरे में मैंने बहुत अच्छी तरह से अपना योगाभ्यास पूरा किया. लेकिन उस समय मुझे ऐसे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे शरीर और मन का मानो समन्वय हो गया हो. और उसी समय बस एक ही दिमाग में एक ही सोच आया कि जिस तरह से मुझे महसूस हुआ ऐसे ही महसूस अगर हम प्रज्ञाचक्षु लोगों को नेत्रहीन लोगों को सिखाते हैं तो क्या कर पाते हैं, उन्हें कुछ योगाभ्यास से फायदा हो सकता है या नहीं. और यही सोचकर मैंने योगा सिखाना इन नेत्रहीनों को चालू किया. मैंने एमए करने के बाद यह सोचा कि क्यों ना ये योगाभ्यास का फायदा सिर्फ नेत्रहीनों को ही नहीं लेकिन जो नॉर्मल साइटेड लोग हैं उन सबको हो. तो यह सोच के मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मेरे पीएचडी का विषय चुना कि एप्लीकेशन ऑफ योगा टू विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस इन मुंबई. योगाभ्यास से नेत्रहीनों को मैंने देखा है कि कई तरह के फायदे हुए हैं, जैसे उनका चलना बैठना, उनके जो बात करने का तरीका, मतलब वो कॉन्फिडेंटली भी बात कर सकते हैं, उनके पढ़ाई में काफ़ी सुधार आया है, जैसे उनको याद शक्ति बढ़ी है उनकी, और खासकर उनकी बाकी की जो इंद्रियां हैं उसमें भी काफ़ी हद तक मैंने सुधार देखा है. लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी हद तक वो मन का तोल संभाल के जिंदगी में सब मुश्किलों का सामना करके बहुत अच्छी तरह से वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं. योगा सर में खासकर हम लोग ध्यान देते हैं कि उनकी जो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी उसका आरोग्य अच्छा रहे. इसमें कहा जाता है कि योगाभ्यास करते समय शरीर और मन दोनों का समन्वय होना जरूरी है. मतलब जब कभी भी उनको लगता है कि हमको लोगों से ताल मिला के चलना है, कदम से कदम मिला के आगे चलना है, तो योगाभ्यास से काफ़ी हद तक उनको शरीर से नहीं लेकिन मन से, वो जब अपना मन की तैयारी हो जाती है तब ज़रूरी है वो कि शरीर से भी वो हमसे ताल से ताल मिला के चल सके. और ये शुरुआत मैंने मेरे घर पे ही की, घर पे थोड़ा जगह का एडजस्टमेंट करके. और हाँ, ज़रूरी है कि घर के लोगों का सहयोग होना, तो घर के लोगों ने बहुत ही मुझे सहयोग दिया और करीबन 9 से 10 बच्चे अभी मेरे साथ हैं. आज तक करीबन मैंने 100 लोगों को योगा सिखाया है और अभी भी मेरा ये सिखाना चालू है. और आ चाहती हूँ कि आगे भी बहुत लोग, सैकड़ों लोग ये योगाभ्यास सीखें.